show, hum to humara show. राजू गुज्जर तुसी किथे हो? हर विला वे तो किथे पगली इथे खड़ी हो जा आराम नाल ते मेरी गल नू आराम नाल सुन राजू राजू तू किथे नहीं आएगा हुन विलन दी बारी है 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 की हाल है सुनिए तू इत्थे किथे आ गया मैं पीछे हट किथे आ गया नहीं आ मैं ते इत्थे ही रहना ताकि चिरंदा कि कोई कुड़ियां इस जंगल च ते मैं हा 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 तू ए दस मन कि तू राजू दे चक्कर च सी साडे च कांटे लगे ने तू कौन है तुम्हारा बाप ओए बदमाशा ओए मेरी धी ते तियां सांझियां होंदियां ने ओती होंदियां ने पर मेरा भी करैक्टर कुछ लूज है गाय दे ओए तेनू जुरत कीवे हुई मेरे होंदियां तू मैनू ही कॉपी कर रहे है मैं कॉपी कर रहा पर तुसी ए दसो कि तुसी किथे गायब से हो हुँ? मैं आपके प्रोग्राम में आ गया हूँ अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और कैसा लगा आपको हमारा गेटअप और आज के हमारे स्टार जो कि हमारे शो पर आए हैं लेकिन एक नहीं हाँ कैसे हो ठीक ठाक सर ठीक ठाक आप सब खैरियत है अल्लाह का शुक्र है सर ये क्या मैं देख रहा था आप डिस्टर्ब कर रहे थे सर मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कोशिश की विलन बनने की और फेल हो गया मैं फेल हो गया क्योंकि असली विलन तो यहाँ खड़े हुए हैं और एक नहीं दो दो विलन खड़े हुए हैं एक ने पीक हासिल किया फिल्मों में और एक ने पीक हासिल किया टीवी में अगर कभी कोई फिल्म के बारे में सोचेगा कि विलन कैसा होना चाहिए पाकिस्तान में तो मुस्तफा कुरैशी साहब ने अंत कर दिया यानी कि इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता गुलाब चांडियो साहब ने टीवी पे वो मुकाम हासिल किया विलन का कि सर मुझे लगता है इसके बाद वो खत्म होगी सिंध में जुल्म होना खत्म हो गया लगता है क्योंकि आजकल आप बहुत कम कम आ रहे हैं नहीं यहाँ पाकिस्तानी लोग जो है जिस चीज को देखते हैं उसको ही बढ़ाते रहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूँ सारी हीरोइनों से सारे सारी फिल्मों से कि वो फिल्म ही बेकार है कि हीरो से पहले विलन ना आए तो हाँ। तो क्या बात है जी मानी विलन है नहीं, नहीं, मैं विलन नहीं हूँ मेरे बड़े बड़े विलन में खड़े हैं लेकिन हम बैठ के बात करते हैं सर विलन तो हम आश्रय में भरे पड़े हैं आप हम तो उनकी अक्कासी करते हैं और अगर विलेन ना हो तो जो अच्छे लोग हैं नेक लोग हैं शरीफ लोग हैं उनके किरदार उजागर कैसे लेकिन आज हम बात करेंगे सर इस बारे में कि विलेन्स को मसले क्या क्या होते हैं लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम एक एक अदर शो भी करेंगे आज का शो इतना इम्पोर्टेंट है जी आज के प्रोग्राम में दो अदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जिनको हमने जिंदगी भर देखा और हमने जिंदगी भर इनकी कॉपी की स्कूल में कॉलेज में इधर उधर वगैरह इनके डायलॉग बोले और जब इनके ड्रामे आते थे या फिल्में आती थी तो हम लोग रुक जाते थे अपने घरों में आप लोग भी डेफिनेटली इनको मिस करते होंगे अब ये कम कम फिल्में करते हैं कम कम ड्रामे करते हैं लेकिन उनकी यादें इतनी ज़्यादा हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं लेकिन आज के दिन ये दो अदद विलन जो कर चुके हैं अपनी फिल्मों में और टेलीविजन पे आज आप लोग से जज करेंगे कुछ ये हमारे शो पे आज जज हैं कुछ विलन को ये जज करेंगे जो कि हमारे शो पे आएंगे और आप जरूर देखेगा ब्रेक पर जाना है जी नहीं ब्रेक पर जाना भी इनको बिठाना है अच्छा जी हाँ, सर आए हैं मैं भी वही चाह रहा था कि सर बैठ जाते सर थैंक यू यहाँ पे जी जी इधर बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताएं कि ये बड़ा मुश्किल काम है ये मुछ लगाना और ये गेटअप करना कैरी करना उसके बाद गर्मी में वो डायलॉग बोलना जो कि आपने बोले बेशुमार दफा सर ये बताएं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ और मुझे इतना पता है आपके ताल्लुक सुबह सिंध से
पंजाबी आपको आती थी, आपने वो एक्सेंट वहां से कैरी करके एक नया एक्सेंट बनाया जो कि बेशुमार हिट हुआ? अच्छा, सवाल आपका खत्म हुआ? अच्छा, ये सवाल नहीं था, तकरीर थी। जी हाँ, देखिए काम तो हर काम मुश्किल है, वो विलन का किरदार हो या हीरो का हो या किसी का भी हो, अलबत्ता फिल्म में विलन का किरदार ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ज़ाती तौर पर वो आर्टिस्ट जो है वो विलनिश या विलन नहीं होता, बल्कि अक्सर ये देखा गया है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, जो जिन्होंने विलन के किरदार किए हैं वो ज़ाती ज़िंदगी में बड़े शरीफ नफ्स इंसान रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने हीरो किए हैं वो ज़ाती ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर विलन के लिए ये देखा गया है। तो आपने बात की सिंध की, तो बिला शुबा मेरा बुनियादी तौर पर ताल्लुक मेरा सिंध से है और मेरी जबान भी सिंधी है, मादरी जबान सिंधी है। लेकिन जब फिल्म में मैं आया, और पहले तो खैर मैं उर्दू फिल्मों में किया करता था, मोहम्मद अली अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और मेरी एक जोड़ी उर्दू फिल्मों के हवाले से रही, और उसके बाद कोई 3-4 सालों के बाद मैं पंजाबी फिल्में मेरी हुई, क्योंकि ज़बान मुझे आती नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक डायरेक्टर ने कहा कि जी आप गलत बोलें लेकिन मेरा जिम्मा, जितने पैसे चाहिए उतने मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो एक पहली पंजाबी फिल्म की थी चार खून दे प्यासे। ओके। तो चार खून दे प्यासे, अलग है खून दे प्यासे तो मुल्क में आजकल भरे पड़े हैं, आजकल तो सभी तो खैर उनके साथ जंग हो रही है, ऐसा नहीं है। चांदी साहब ये बताइए, क्या नाम है कि बेशुमार विलन किए आपने भी, और जितने आपने टेलीविजन विलन की शायद ही किसी ने किया, किसी ने किया। आप ये बताइए आजकल क्या सिंध में औरतों पे जुल्म होना बंद हो गया है, क्योंकि आप बहुत कम नजर आ रहे हैं मैंने देखा है। मैं वाकई में बहुत कम नजर आ रहा हूँ, लेकिन सिंध में ये बात आपको बता दूँ कि मेरे ख्याल में सिंध में ज्यादा से ज्यादा भी 2% कोई विलन है, जिस तरह से ये उछाला जा रहा है वडेरे जागीरदार ये बेसिकली जो है ना वो ही लोग हैं जैसे कि एक हीरो होता है कल्चर को, हमारे एग्रीकल्चर को या हमारे इसको डेवलप करना, उनका काम नहीं होता है कि डाकू को पालना। हाँ जरूर एक दो कहीं ना कहीं होते हैं, यानी कि वो विलन जो होते हैं वो हीरो होते हैं सिंध का। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि सिंध की धरती जो है वो इतनी मीठी और इतनी बुर्दबार जिसे कहें हम कि सखावत के तौर पे भी, और क्योंकि एक पुरानी बात हमारे बड़े कहते थे कि किस जमाने में पानी बहुत कम हुआ करता था कि 6-6 महीने का फसल होते थे कि भी 6 महीने खाया फिर बैठे। तो सिंध का जो एक बुनियादी है वो रिलैक्स करना है। ओके ठीक है। गुलाब चांदियों की बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए वडेरा जो होता है असल में इस लफ्ज की माने जो है कि 50 या 100 घरों का गांव है जिसका वो एक बड़ा होता है, यू नो, और कई वडेरे अलग बात, कई वडेरे ऐसे हैं जो उन अपने गांव के लोगों और उनकी बच्चियों के सरों पर शफकत का हाथ रखते हैं। उनके यहाँ पे वडेरों का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ड्रामा में बनाया गया ना, ड्रामा में ऐसे बना दिया। मैं आज वो क्लियर बात कर रहा हूँ, एक क्लियर बात कर रहा हूँ कि सिंध के ऊपर एजेंसीज कैसे आए। ये 1983 की बात है जब MRD की मूवमेंट चली थी, उसके बाद सिंध के ऊपर यही चला गया है कि भाई यहाँ से वो लोग कैसे आए। और मेरी एक फिल्म थी वडेरा, अच्छा अगर आपके पास हो तो उसका क्लिप दिखा दें। उसमें वडेरा टाइटल मैंने ही किया था और मुझे नेशनल अवार्ड मिला था उसका, और वो पॉजिटिव वडेरा, उसूलों का पाबंद, इंसाफ करने वाला। अच्छा कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम निमरा, कैसी हो तुम? यूएसए से कॉल है भाई जी, कैसी हैं आप? निमरा एक आप एक काम कर रहे हैं, जब भी आप आएंगी ना, जो भी कॉलर आएगा आज, तो एक तहका विलन वाला जरूर लगाना है, लेकिन उसमें नहीं, जरूरी नहीं है, ये तो बहुत वैशिक है, इसको थोड़ा टोन डाउन कर सकती हैं आप बेसिकली। इन लोगों ने कह के लगाए हैं भाई, हमने तो यही देखे कैसे। नहीं, नहीं, मुस्तफा कुरैशी साहब ने जब कह के लगाया तो बड़ा सटल लगाया मैं, और कमाल कह के था वो। जी प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, और आगे देखें कैसे चलता है, मजे का लग रहा है। भाई देखिए आज देखना जरूरी है, आज का प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है। आज 4 अदद मजीद लोग हैं, 4 अदद ऐसे लोग हैं जो कि अपने कामों में मास्टर हैं। हाँ। वो आज आके मुस्तफा कुरैशी साहब को और गुलाब चांदी साहब को
इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे और लेट्स सी कि वो करते हैं कि नहीं करते और विलन बनने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि कौन से विलन बन सकता कैसा और शो देखती रहे हां निम्रा तुम बोलो जी मुझे दोनों ही मतलब कुछ मूवीज में देखा कुछ एक को ड्रामे में देखा है दोनों के बहुत अच्छे मतलब परफॉर्मेंस कर रहे थे लोग और उसके अलावा जो है वो आप लोगों ने भी शुरू में जो स्टार्टिंग करी तो समझ नहीं आते प्रोग्राम मॉर्निंग शो हो रहा है या कुछ पंजाबी मूवी शुरू हो गई है तो ये पंजाबी मूवी है आज तेरा ने स्टार्टिंग जो करी थी मजे से झूम झूम के थोड़ी शौक में आ गई मैं तेरा तो बहुत जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पहले पापड़ लाके रखते हैं तो आप लोग क्योंकि विश्वास पापड़ थे हम पापड़ नहीं हम पापड़ हैं हमने बड़े पापड़ देने आप लोगों ने कर लिया वो काम जो करना था सर स्टिल वर्किंग सर ये होता है सर वो डायलॉग और आप भी सर कोई एक डायलॉग अपने उसके बाद क्योंकि बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं करना आज आप लोगों ने जज करना है और वो जो चार लोग आएंगे उन्होंने कुछ करना है यहाँ पे तो सर क्या नवा है थोड़े यहाँ तो आपने कह दिया ना नहीं, 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 नहीं सर, आप इसी गेटअप में हैं और उसी कैरेक्टर में हैं मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे सर आप कोई डायलॉग जो कि फैंस के लिए कोई कोई ऐसी चीज जो कि आपने की और हाय 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 गुलबहार बेगम अब तो दिल भर अंदर आ चुका है बैठने को नहीं कहोगी मेरी जान के टूटे मेरी जान के टूटे ओके जी आज का शो एंजॉय जरूर करना है आप लोगों ने घर पे बैठ के क्योंकि आज दो दस फिल्म जिन्होंने किया है टेलीविजन असल लाइफ में नहीं है भाई मैं बार बार कह रहा हूँ ये नाराज हो जाए तो वो आज बैठे होंगे यहाँ पे और चार अदद हीरोज जो कि मुख्तलिफ कामों के हीरोज हैं वो यहाँ पे आएंगे और परफॉर्म करेंगे विलन बनेंगे देखते हैं वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं फिकर नॉट हम हैं ना ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं कौन आ रहा है आज लफड़े